बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर सेकंड हमने स्टार्ट किया था, मोशन वाला, ठीक है। उसकी बेसिक्स जो थी वो हमने स्टडी कर ली थी, काइनेमेटिक्स, ठीक है। उसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली थी हमने, और उसके बारे में सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने स्टडी कर ली थी। और इसके बाद हमने रेस्ट और मोशन को स्टडी किया था कि रेस्ट और मोशन क्या होती हैं। आज हमने स्टडी करना है टाइप्स ऑफ मोशन। उस दिन हमने बात की थी मोशन की कि मोशन क्या होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा होता है तो उसको हमने नाम दिया था मोशन का, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा तो वो हमारे पास क्या होगी कि उसको हम नाम देंगे स्टेट को मोशन का। तो वह हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मोशन होती हैं। एक बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है, बटरफ्लाई है वो उड़ रही है, तो हमारे पास क्या है उसकी मोशन किस तरह की है, वो और तरह की है। एक गाड़ी है वो रोड पे जा रही है, उसकी मोशन है। आपका सीलिंग फैन है वो मूव कर रहा है, उसकी मोशन है। तो हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग के अंदर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को कि डिफरेंट टाइप्स की मोशन होती हैं। हर ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो डिफरेंट है दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इस बेस पे हमारे पास जो है मोशन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वही जो है आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम डिफरेंट मोशन की जो टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे कि किस तरह की मोशन को हम क्या नाम देते हैं, ठीक है, और उसकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की टाइप्स। तो आपको सबसे पहले मोशन का पता होना चाहिए। उस दिन भी हमने स्टडी किया था कि मोशन क्या है। तो ठीक है बेटा, मोशन हमारे पास क्या है, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ पोजीशन के अंदर जब चेंज आता है तो उसको हम नाम देते हैं मोशन का। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसकी पोजीशन जो है टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास मोशन में है। ठीक है, अब आगे इसकी फर्दर टाइप्स को स्टडी करते हैं। अब हमारे पास जो उसकी कैटेगराइज किया गया है मोशन को, वो उसकी बेस किस बेस पे, डिफरेंट बेस पे हम जो है वो मोशन को कैटेगराइज करते हैं। तो आज जो आपके सिलेबस से रेलिवेंट है वो है हमारे पास पाथ की बेस पे, कि किस पाथ को वो फॉलो करती हैं, उस बेस पे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशन को कैटेगराइज किया गया है। देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। टाइप्स ऑफ मोशन किस बेस पे, बेस्ड ऑन पाथ्स। पाथ की बेस पे जो है मोशन को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, वो कौन कौन सी है, तो इसकी हमारे पास डिफरेंट जो है, बल्कि थ्री कह लें कि आपके सिलेबस में जो दी गई हैं वो उसकी थ्री टाइप्स दी गई हैं। सबसे पहले है हमारे पास ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड पे आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, और थर्ड पे जो है वो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन भी आती है, लेकिन आपके सिलेबस में हमारे पास जो दी गई है वो हमारे पास कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी कुछ जो है आपके सिलेबस, हम वो स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर हैं,
जो फर्दर है उनको हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो थर्ड है वो है हमारे पास रोटेटरी मोशन। ये कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, थ्री कैटेगरीज पे, किस बेस पे, पाथ की बेस पे, कि जिस पाथ को ये फॉलो कर रही होती है इस बेस पे इनको डिवाइड किया गया है मोशन को थ्री कैटेगरीज में। फर्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है वाइब्रेटरी मोशन, उसके बाद है हमारे पास रोटेटरी मोशन। इससे आगे भी फर्दर इनकी और भी जो है टाइप्स हैं, लेकिन वो आप बड़ी क्लासेस में जाके डिस्कस करेंगे उनको, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनकी डिटेल में बात करते हैं कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन जो है, किस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन का नाम दिया गया है। अब हमारे पास सब्जेक्ट है कोई, वो एक स्ट्रेट लाइन में या एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है विदाउट रोटेशन, कि मतलब वो ऑब्जेक्ट जो उसके सारे, उस सब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स एक ही सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हों, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास उस मोशन को, ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का, जिस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स एक साथ सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी रोटेशन, मतलब रोटेट किए बगैर अपने एक्सिस के गिर्द या किसी भी पोजिशन पे वो किसी भी पॉइंट के गिर्द रोटेट किए बगैर विदाउट एनी रोटेशन जो है किसी लाइन पे मूव करते हैं, उस लाइन को फॉलो करते हैं उस पाथ को, तो उसको नाम दिया जाता है ट्रांसलेटरी मोशन का। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी हुई है, ठीक है। मोशन इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन डेफिनेशन है इसकी हमारे पास, इन ट्रांसलेटरी मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स along a line without any rotation, किसी भी rotation के बगैर जब object जो है किसी line के along move करता है, इसके बाद हमारे पास the line may be straight or curved, लाइन जो है जिसके अलोंग वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो हमारे पास स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इन ट्रांसलेटरी मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए लाइन, किसी भी लाइन के अलोंग मूव करता है ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रोटेशन, किसी भी रोटेशन के बगैर जो है वो एक लाइन पे मूव कर रहा होता है, उस मोशन को हम क्या कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। और उसके बाद उन्होंने साथ बताया है कि जो लाइन है जिसके लॉन्ग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और लाइन कर्व भी हो सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करता है रोटेशन के बगैर लाइन के ऊपर मूव, लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा होता है, और वो जो लाइन है वो जो पाथ है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और वो कर्व भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, एक स्टोन है आप उसको छत से फेंकते हैं नीचे, वो क्या करता है कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है बगैर किसी रोटेशन के, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि उसकी मोशन जो है वो क्या है ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि कार जो है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है,
एक सीधी लाइन पे मूव कर रही है, सीधे रोड पे जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी मोशन जो है वो भी हमारे पास क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन है। एक हमारे पास टॉय ट्रेन है वो ट्रैक पे मूव कर रही है, उसकी मोशन को हम क्या नाम देंगे कि वो भी हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। इसके अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके सारे पार्टिकल्स सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे होते हैं, किसी किस्म की उसके अंदर रोटेशन नहीं होती। ठीक है, अब इसको भी हमारे पास ये थी कि मोशन की मेन टाइप्स जो है बेस ऑन पाथ। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेटरी मोशन को भी फर्दर आगे कैटेगराइज किया गया है, वो हमारे पास थ्री टाइप्स के अंदर इसको किया गया है। वो हमारे पास कौन सी है, ट्रांसलेटरी मोशन, इसको आगे जो है हमारे पास तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है हमारे पास लीनियर मोशन, ठीक है, सेकंड पे है हमारे पास सर्कुलर मोशन, और थर्ड पे है हमारे पास रैंडम मोशन। ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसको फर्दर आगे थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। ठीक है, तीन इसकी आगे फर्दर कैटेगराइज है, किसकी, ट्रांसलेटरी मोशन की, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है, लाइन में मूव कर रहा होता है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी। अब बात करते हैं हम लीनियर मोशन की, कि लीनियर मोशन हमारे पास क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर वर्ड आपने पहले सुना हुआ होगा कि लीनियर क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर, सीधा बिल्कुल, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है, किसी भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होगी उसको हम नाम देंगे लीनियर मोशन का। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल सीधी लाइन पे वो जा रहा है, उस मोशन को हम नाम देंगे लीनियर मोशन का। इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, एग्जाम्पल्स इसकी हमारे पास क्या आ जाएंगी, अ कार मूविंग ऑन रोड, ठीक है, सेकंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एप्पल फॉल फ्रॉम ट्री, एक सेब जो के हमारे पास इस तरह से आपके पास क्या है कि कोई ट्री है, यहां से एक एप्पल जो है वो नीचे गिरा है आपके पास, उसकी जो मोशन है उसको हम क्या नाम देंगे लीनियर मोशन का। एक स्टोन छत से फेंकते उसकी मोशन भी लीनियर होगी, आप वॉक कर रहे हैं एक सीधे रोड पे, आपकी मोशन भी क्या हो जाएगी, लीनियर मोशन हो जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे वो हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर मोशन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड है हमारे पास सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर वर्ड तो आपने सुना हुआ होगा, दायरा, सर्कल,
ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ पे जो मोशन है उसको नाम दिया जाता है सर्कुलर मोशन का। डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होगी, सर्कल के ऊपर जो मोशन होगी उस ऑब्जेक्ट की, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, मुसलसल चेंज हो रही होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन जो है वो मुसलसल चेंज हो रही होती है। ठीक है, वो क्या होता है कि उस पाथ पे जो है ऑब्जेक्ट की मोशन को हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। ठीक है, टॉय ट्रेन जो है ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल इसकी आ जाएगी मोशन ऑफ ए टॉय कार या टॉय ट्रेन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पे एक टॉय कार की जो मोशन है वो हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, और भी डिफरेंट हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट हैं वो उनके अंदर भी हमारे पास क्या होता है कि उसकी मोशन को जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारे पास जो है आपका फैन है उसके ब्लेड जो है वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपके पास क्लॉक है उसके जो हैंड्स हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसकी थर्ड टाइप पे, वो हमारे पास क्या है, रैंडम मोशन। रैंडम वर्ड यूज किया जाता है बेतरतीब के लिए, जिसकी कोई तरतीब ना हो। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इररेगुलर मोशन जो है उसको हम नाम देंगे रैंडम मोशन का। ठीक है, तो हमारे पास रैंडम मोशन क्या आ जाएगी, रैंडम मोशन। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, द इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है इररेगुलर मोशन जिसमें कोई नो सेम डायरेक्शन या फिर ये कह लें नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी टाइम किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, उस मोशन को हम नाम देते हैं रैंडम मोशन का, जिसमें ऑब्जेक्ट की जो मोशन है इररेगुलर है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ऐसी मोशन को हम नाम देंगे रैंडम मोशन का। ठीक है, बटरफ्लाई की एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो क्या करती है, रैंडम मोशन है उसकी, किसी भी टाइम किसी भी डायरेक्शन में, कोई स्पेसिफिक उसका पाथ नहीं होता, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है डिफरेंट बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं, उनकी भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, उनकी मोशन को भी हम नाम देते हैं रैंडम मोशन का। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मैटर की स्टेट्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो मोशन के अंदर होते हैं, कोई भी एटम है उसके पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन, तो उनकी मोशन जो है वो रैंडम मोशन ही है, लेकिन उसको नाम दिया जाता है ब्रोनियन मोशन का। ठीक है, स्पेसिफाई उनको कर दिया गया है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन है उनको नाम दिया गया है ब्रोनियन मोशन का। ठीक है, ये थी हमारे पास, हमने टाइप ऑफ मोशन को स्टडी किया, उसके अंदर हमने बात की कि किस तरह से मोशन को जो है पाथ की बेस पे कैटेगराइज किया गया है थ्री टाइप्स के अंदर,
वो है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो उसकी फर्स्ट टाइप ट्रांसलेटरी मोशन को हमने स्टडी किया कि ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो हमारे पास क्या होती है। तो वो थी हमारे पास कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा होता है विदआउट एनी रोटेशन, उसको हमने नाम दिया था ट्रांसलेटरी मोशन का। वो जो लाइन है या पाथ है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। फिर इसको फर्दर आगे ट्रांसलेटरी मोशन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। ठीक है, ये तीन उसकी कैटेगराइज थी। फिर इनको देखा हमने लीनियर मोशन के, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होगी उसको हम नाम देंगे लीनियर मोशन का। वो हम रोड पे बात कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोड के ऊपर चल रहा है स्ट्रेट रोड के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या होगा, उसकी मोशन भी लीनियर मोशन होगी। उसके अलावा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, कोई आपके पास टेबल पे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है उसको आप मूव करवाते हैं सीधी लाइन में, तो उसकी मोशन भी हमारे पास क्या होगी, लीनियर मोशन होगी। कोई भी फ्रूट जो है वो ट्री से गिरता है उसकी मोशन को भी हमने लीनियर मोशन का नाम दिया। ठीक है, इसके बाद सेकेंड इसकी थी सर्कुलर मोशन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कुलर ट्रैक पे उसको हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। ठीक है, वो क्लॉक के हैंड्स हैं उनकी मोशन भी सर्कुलर मोशन है। आपका सीलिंग फैन है उसकी जो सीलिंग फैन की मोशन को हम जो है सर्कुलर मोशन का नाम नहीं देंगे, उसकी जो ब्लेड्स हैं उसकी जो मोशन है वो हम क्या करेंगे, उसको नाम दिया है सर्कुलर मोशन का। ठीक है, एक रेलवे ट्रैक है या टॉय ट्रैक जो बच्चों के पास अक्सर खिलौने होते हैं जिसके अंदर वो ट्रैक बनाते हैं फिर उसके ऊपर वो ट्रेन या गाड़ी मूव करती है, वो भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन की। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, रैंडम मोशन है। रैंडम वर्ड भी तरतीब के लिए यूज किया जाता है जिसकी कोई तरतीब नहीं होती, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसकी इररेगुलर मोशन होगी, जो किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा होगा, उसकी मोशन को हम नाम देंगे रैंडम मोशन का। ठीक है, वो बर्ड है कोई फ्लाई कर रहा उसकी मोशन, या आपके पास हीलियम बेलून्स होते हैं उसको आप हवा के अंदर छोड़ें तो वो भी क्या होता है कि इररेगुलर से उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, उसकी मोशन को भी हम ये कह देते हैं। एक काइट है, पतंग जो उड़ाते हैं आप हवा के अंदर, उसको आप पतंग उड़ा रहे हैं उसकी भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, वो जिस डायरेक्शन में उसका दिल करेगा वो मूव करेगा। तो ऐसी सारी मोशन जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक पाथ फॉलो नहीं किया जाता, उन मोशन को नाम दिया जाता है रैंडम मोशन का। और फिर उसके पास स्पेसिफाई किया गया था कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो रैंडम होती है, और उस मोशन को नाम दिया हमने ब्रोनियन मोशन का। ये आपकी बुक पे जो है पेज नंबर जो है आपके पास 31 पे जो है वो दी गई है, वहाँ से आपने इसको देख लेना है। ये सारी डेफिनेशंस आपकी बुक पे भी मौजूद हैं। ठीक है, अब इसकी दो जो टाइप्स हैं वाइब्रेटरी और रोटेटरी, इसके अलावा चंद एक मैं आपको करवाऊँगी इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, जी अल्लाह।